नमस्कार दोस्तों, आज देखते हैं, आज एक बोर्ड बनाएंगे। इस बोर्ड में हमारे पांच फाइव पेन होंगे। अब हमने सारे फाइव पेन डाले हैं, अभी इनको बोर्ड में सेट करके देखते हैं। सारे फाइव पेन को हम बोर्ड में सेट कर लेंगे। और ये सीट कटी हुई नहीं थी, इसको हमने अपने ग्राइंडर से काटा है। और इसको फाइव पेन लगा के सेट करके अब इसमें जहाँ पर फाइव पेन के या टू पिन के होल आ रहे हैं वहाँ पर हमें सुराख करने हैं अपने ड्रिल से। तो ड्रिल मशीन से सुराख करेंगे इसमें, ताकि इनमें आसानी से बोल्ट को कसा जा सके। अब इसमें स्केच से निशान मार लेंगे। निशान मारने के बाद इनमें ड्रिल कर लेंगे। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आगे आने वाले हैं। हमने ड्रिल से अभी इसमें जो हमने स्केच से पॉइंट मारे थे उन सारे पॉइंट पर ड्रिल से होल कर लेंगे। दोस्तों, बोर्ड में हमने सारे फाइव पिन टू पिन कस लिए हैं, स्विच लगा दिए हैं। अब इसमें कनेक्शन करेंगे। हमने 0.75 तार ले लिया है कनेक्शन करने के लिए। इसको छील कर इसमें पहले तो इंडिकेटर लगा हुआ है, तो इंडिकेटर से कनेक्शन करना शुरू करेंगे। दोनों तार जो हमारे खंभे से आते हैं या मेन वायर होती है उसके दोनों तार सर्वप्रथम इंडिकेटर में ही लगा लेंगे। तो हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट हो गया। इंडिकेटर लाइट आएगी तो इंडिकेटर पहले जलेगा। अब एक तार हमें जो कॉमन है वो सारे फाइव पिन पर जाना है, तो सारे फाइव पिन में एक तार कॉमन कर लेंगे। फिर दूसरा तार जो होगा वो स्विच से होकर जाएगा। ये जो बोर्ड है, पहले एक इंडिकेटर है, स्विच लगा हुआ था, बाकी इसमें पांच फाइव पिन है। तो इसमें एक तार जो कॉमन है वो सारे फाइव पिन पर जाता रहेगा, क्योंकि हमें कोई भी इक्विपमेंट चलाना है तो उसको अर्थ और फेज दो तार देने होते हैं। तो इसको फेस मान लें या इसको अर्थ मान लें, तो एक तार तो पूरा सब फाइव पिन पर चला जाएगा, दूसरा तार भी फाइव पिन पर ही जाएगा, दूसरे जो टर्मिनल बचे रहेंगे बट वो स्विच से होकर जाएगा। अभी हम देखेंगे कि एक वायर जो हमारा खंबे से आ रहा है इंडिकेटर में जो लगा हुआ है, उसका एक तार हर फाइव पिन के एक टर्मिनल पर चला जाएगा। सारे टर्मिनल पर एक एक तार जा रहा है, यानी जो हमारा करंट आएगा इंडिकेटर पर वही करंट दूसरे फाइव पिन पर जाएगा, उसी से फिर तीसरे फाइव पिन पर जाएगा, फिर उसी से चौथे फाइव पिन पर जाएगा, उसी से पाँचवें फाइव पिन पर जाएगा। ऐसे सारे टर्मिनल पर वही करंट जाता रहेगा। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, इसमें बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे वीडियो देख लीजिए। कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी, सारे नॉलेजबल वीडियो हैं। बहुत अच्छा अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, हमने सारे फाइव पिन पर एक एक जो उसके टर्मिनल थे सिंगल टर्मिनल, सब पे टर्मिनल पर एक वायर हमने डायरेक्ट कर लिया। कस्टमर ने कहा था इस मेरे बोर्ड में सिर्फ एक सिंगल स्विच रहेगा, उसी से सारे फाइव पिन हमारे चलने चाहिए। तो बस वही हो रहा है कि उसके सारे फाइव पिन उसी एक स्विच से कंट्रोल होंगे। तो उस एक स्विच से कंट्रोल करने के लिए हमें सारे फाइव पिन को
डायरेक्ट तारों से जोड़ देना है, शॉर्ट नहीं करना दोस्तों। हर 5 पिन का एक एक वायर जो है वो सब में जोड़ना चले जाना है। जो दूसरा वायर बचेगा, जैसे एक 5 पिन में दो टर्मिनल होते हैं तो सब में दो दो हो गए, तो अगर पहले से पहला जोड़ना है तो सारे 5 पिन का पहला 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 टर्मिनल जोड़ते चले जाएंगे, फिर एक ही बचा रह जाएगा, तो उसका जो बचा हुआ है उसमें भी सबका एक एक टर्मिनल जोड़ते चले जाएंगे और लास्ट में उसको स्विच से जोड़ देंगे, तो हमारा स्विच से कंट्रोल होने लगेगा। अगर हमें स्विच से कंट्रोल नहीं करना है तो उसको भी डायरेक्ट इंडिकेटर से जोड़ देते हम, क्योंकि इंडिकेटर में डायरेक्ट खंभे की लाइन आनी होती है, तो हमारा डायरेक्ट चलने लगता। बस कस्टमर बोला कि डायरेक्ट नहीं चलाना है, एक स्विच हमारा इंडिकेटर से लगाना है, और इंडिकेटर से लगा के हमारे सारे 5 पिन उसी से कंट्रोल करने हैं, इसलिए हमने इसमें एक स्विच लगाया है। बस हमारा कनेक्शन होने ही वाला है। सारे 5 पिन में हमने एक जो तार लगाना था सब में तार लगा लिया है, एक आध 5 पिन और रह गया है, इसमें भी बस वायर लगा देंगे और हमारा कनेक्शन हो जाएगा। जो 5 पिन के टर्मिनल थे हमने सारे टर्मिनल पर वायर लगा चुके हैं, सब में तार लगा दिया है। दोस्तों दुकान पर हमारे बहुत सारा आइटम बनने के लिए आता रहता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनने के लिए आते रहते हैं, तो उन्हीं में से किन्हीं कुछ चीज़ें चूज कर लेते हैं, उन्हीं का वीडियो बना देते हैं। दोस्तों देखिए, हमने जो दो तार थे इंडिकेटर पर उसी को एक तार को डायरेक्ट हमने स्विच से कनेक्ट कर लिया था, और स्विच का जो एक टर्मिनल बच गया था उसको हमने 5 पिन के जो